मुगले आजम बॉलीवुड की फिल्मों में एक ऐसी उत्कृष्ट रचना, एक ऐसा नायाब नगीना जिसका अगर रिमेक बनाना हो तो के आसिफ को दोबारा धरती पर आना होगा। मगर एक बार साउथ के एक फिल्म निर्माता के सर इस फिल्म का रिमेक बनाने का भूत सवार हो गया था। दरअसल डायरेक्टर मेहुल कुमार ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि एक बार साउथ का एक फिल्म निर्माता मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं चाहता हूं फिल्म मुगले आजम का रीमेक बनाया जाए, जिसमें अकबर के किरदार में पृथ्वीराज कपूर की जगह अमिताभ बच्चन, सलीम के किरदार में दिलीप कुमार की जगह अभिषेक बच्चन, अनारकली के किरदार में मधुबाला की जगह ऐश्वर्या राय और जोधाबाई के किरदार में दुर्गा खोटे की जगह जया बच्चन को कास्ट करते हैं। मोहब्बत की छोटी कहानी पे रोए। इस प्रपोजल को लेकर जब वे अमिताभ बच्चन के पास पहुंचे, तब अमिताभ ने इस फिल्म में काम करने से इनकार करते हुए कहा, आप क्या समझते हैं मुगले आजम का कभी रीमेक बनाया जा सकता है? मुझे लगता है बहुत ही मूर्ख होगा वो डायरेक्टर जो मुगले आजम का रीमेक बनाने की जरूरत करेगा, और उससे भी ज्यादा मूर्ख होगा वो एक्टर जो इसमें अभिनय करने की सोचेगा। मुगले आजम सिर्फ एक बार बनाई जा सकती थी, जिसे के आसिफ बना चुके हैं। अब ये चमत्कार दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन क्या आप मानते हैं अमिताभ बच्चन की ये बात सही है या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। हम एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते। अकबर का इंसाफ उसका हुक्म है। तुझे सलीम को भूलना होगा।